الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین والا علی سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلان صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ. ابھی عزیز القدر علامہ سید محمد مکی رشید صاحب خطاب کر رہے تھے، اور تقریر سے پہلے انہوں نے ایک منظوم نذرانے عقیدت بھی پیش کیا، ایک اچھی سی نعت لکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ترنم بھی عطا کیا. محدث اعظم ہند کے فیضان نے انہیں ایک اچھا خطیب بنایا. جب تم جیسے بھرج کے رہنے والے سورت، وڈوڈرا، احمد آباد، کھیڑا کے رہنے والے اتنا سمجھتے ہو کہ دھنی جب دھنی سیٹھ جب پیسہ لگاتا ہے تو لگانے والے پیسے کو وہ طاقت تو بناتا ہے لیکن ٹارگٹ نہیں بناتا، ٹارگٹ نفع کو بناتا ہے. تو ہر باپ کا بیٹا اس کا انویسٹمنٹ ہے اور پوتا اس کا نفع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے یہ بات بڑے سامنے کی ہے، بڑی سیدھی ہے کہ محدث اعظم کے بیٹے سے لڑو گے تو ان کے مول سے لڑ رہے ہو، انویسٹمنٹ سے لڑ رہے ہو. یہ انہی کا لگایا ہوا پیسہ ہے، انہی کا خون ہے. اور اگر پوتے سے ٹکرا جاؤ گے تو ان کے نفع سے لڑ رہے ہو. کوئی بھی طاقت والا اپنا نفع ڈوبنے نہیں دے گا، کوئی دادا اپنا پوتا بگڑنے نہیں دے گا. سبحان. اب اگر دادا ہی بمبئی کا دادا ہے تو اس کے لیے الگ وعدہ ہے، لیکن حقیقتاً جسے رب نے نوازا ہو. تو آپ دیکھیں نا، خود محدث اعظم ہند
अपने जमाने में उनकी तरह कोई बोलने वाला नहीं था, कितने बोलतों की बोलती बंद हो गई थी, पूरा पूरा दारुल उलूम बंद हो गया। उस बंद में जाने क्या क्या बंद हो गया। अरे कोई फरिश्ता बंद हो, जिन बंद हो, आदमी बंद हो तो बंद भी ठीक हो, अब भूत प्रेत देव ये सब बंद हो। अब उन्होंने अपने दो बेटों को मैदान में उतारा तो कोई बोल पा रहा है। अभी दो बेटे रिटायर नहीं हुए कि पोता सामने आ गया। ताकि प्लानिंग करने वाले जरा और गहरी प्लानिंग करें, मामला सिर्फ मदनी तक नहीं मक्की तक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो सब ये बड़े कर्म के हैं फैसले, वाह ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। और इतनी मुफस्सल मुदल्लल मुकम्मल तकरीर के बाद आप फिर मेरी बुढ़ौती को इनवाइट कर रहे हैं। फिर भी बुढ़ा बुढ़ा हो जाए तजुर्बेकार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुड्डा गुड्डा होता है, बुढ़ा बुढ़ा होता है। लेकिन ये बड़े इत्मीनान की बात है, तमाम सिर्फ अशरफियों के इत्मीनान की नहीं, तमाम सुन्नियों के इत्मीनान की। सुभान अल्लाह। कि जब जब इस्लाम और सुन्नियत पर हमला होता रहेगा, मखदूम अशरफ की सल्तनत से कोई ना कोई जर्नल बाहर निकला करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे अशरफिया, गाजीए मिल्लत। दुनिया को मानो कोई फायदा नहीं, नबी को मानना जरूरी है। सबको माना, अब्बा को माना, अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा पूरा डब्बा माना, कोई फायदा नहीं। नबी को माना, सजदेव सजदा, सजदेव सजदा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तस्बीह 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 तस्बीह, सत्तू पे सत्तू, सत्तू पे सत्तू, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, नहीं होने वाला। नबी को मानो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक साहब थे, अल्लाह की इबादत में रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी फरिश्ता थे नहीं, फरिश्तों में चले गए। क्या प्रोग्रेस है। अगर कोई अनुसूचित जाति एवं जनजात का ब्राह्मण की कुर्सी पर बैठ जाए, यह तो संभव है। लेकिन कोई फरिश्ता ना हो, फरिश्तों में उसकी गिनती हो जाए, असंभव है। मगर इस असंभव को उसने संभव किया, घुस गया। हम मर के जन्नत में जाएंगे ना, बैठे बैठे तो नहीं जाएंगे। वो जीते जी चला गया। क्या लक है, क्या तकदीर है। हम जाएंगे पहले कब्र में, कब्र में सबर करो, महशर में अपना हश्र देखो। जरूरत ले जाएगी रसूल तक, शिफात ले जाएगी जन्नत तक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न मारा, न गाला, न सड़ा, घुस गया जन्नत में, घुस गया। द डोर ऑफ पैराडाइज वाज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला था, चला गया। अच्छा लो, पांच वक्त की नमाज पढ़ना, ये भी नहीं 40 दिन की पढ़े, ऐसा नहीं, 6 करोड़ बरस इबादत में उसने निकाला। कितने? 6 करोड़ ईयर्स। मजाक है। अबे पूरी जमात के सजदे जमा कर दिए जाए तो इतना नहीं निकलेगा जितना अकेले उसने किया। वो अकेला
और इसका इनका तमाम मेला, इस मेला पर भारी अकेला, सजदों की गिनती में बेशुमार अनकाउंटेबल सजदे। इल्म, इतना बड़ा मौलवी आलिम ढूंढे नहीं मिले। जो हमारे यहां सबसे बड़ा आलिम होता है, हमारा मोहतरम मुअज्जम आलिम होता है, लड़कों को पढ़ाता है। आपका शेखुल हदीस उसको पढ़ाता, या हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब तशरीफ फरमाए, गैदरा में आए हुए हैं, एक जबरदस्त शख्सियत गुजरात को मिली है इल्मी बुनियाद पर, आलिम है ये। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। बच्चों को पढ़ाएं तो शेखुल हदीस हो, बच्चों को पढ़ाएं तो मुफस्सिर कबीर हो, बच्चों को पढ़ाएं तो मुहद्दिस कबीर हो, बच्चों को पढ़ाएं तो मुतरजिम कबीर हो। अब दौर बदल रहा है, तुलसी की इज्जत घट रही है, कबीर की बढ़ रही है। जाहिर है कि कबीर कलमा गो था, कबीर दास। माटी कहे कुमार से क्यों रोंधे तू मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तू। ये शेरे कबीर है, बंद है। लेकिन वो बच्चों का मुअल्लिम नहीं था, वो टीचर ऑफ एंजल्स, मुअल्लिमुल मलकूत, अवामे मलाइका को दर्श देता था, नूरियों को पढ़ाता था और खुद नारी हो गया। ईमान वालों का पढ़ाने वाला बेईमान हो गया। वजह क्या है? नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला जन्नत के अंदर था, बाहर हो गया। अब तो डरो, अल्लाह से डरो। जो जन्नत में हो वो नबी की ताजीम से इनकार करे तो जन्नत से निकाल दिया जाता है, ये तो पहले ही से बाहर है। वही हरकत करोगे तो अंदर जाओगे कैसे? वो बोला मैं आदम की ताजीम नहीं करूंगा, नबी की ताजीम नहीं करूंगा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं, मैं इनसे बेहतर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं नबी की ताजीम नहीं करूंगा, नबी की ताजीम नहीं करूंगा। तो नबी की ताजीम से इनकार करना इस नए भारत का नया फितना नहीं है, ये बीमारी बड़ी पुरानी है। पहले उस्ताद किया करते थे इनकार, अब चेला इनकार कर रहे हैं। बगैर गुरु तो गुरु होता है ना, बहुत चालू चीज है वो, बहुत होशियार। इबलीस ने जो जो कुफ्र बका लिखा नहीं, आज तक इबलीस ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी। खतरा चालू है, सारा कुफर फैला रहा है, राइटिंग नहीं दे रहा है। वाह वाह वाह। तो राइटिंग दिए बगैर बकवास करना, ये भी उसी की आदत है। बहुत को राइटिंग नहीं दे रहा है, ओरल सब जबानी है। ये तो अल्लाह का गरम है कि कुरान में अल्लाह ने बता दिया कि वो क्या क्या बोला है। अगर अल्लाह ने बता ही नहीं होता तो हम पता ही नहीं पाते कि उसका कुफ्र क्या है। काफिर होना जान जाते मगर कुफ्र ना जानते, और फिर लुजूम कुफ्र, इल्तिज़ाम कुफ्र और कुफ्र कलामी की बहस चल पड़ती। मगर रब तबारक व तआला ने बता करके मसला ही हल कर दिया, पर उसने कोई सबूत दिया? कुफ्र बोला मगर उसको लिखावट में नहीं आए। और ये चेले कितने बेवकूफ है, अपने यहां से लिखा, कातिब प्रेस में छपवाया, अब छपा के छुपा रहे।
बेवकूफों छुपाना था तो छपाया क्यों और छप गया तो छुपाते क्यों? कलमा नमाज दिखाते हो वो किताब भी दिखाओ। हिफ्जुल ईमान खा गए बराई ने ताती और पी गए तहजीरुन्नास डकार नहीं लिया। जो छापा है वो दिखाओ, जो रसूल के खिलाफ बका है वो दिखाओ। तो ये करम है हजरत आदम अला नबी अलैहि सलातो व सलाम का कि उन्होंने इबलीस को बेनकाब किया। उसका हौसला नहीं टूटा मानता हूं, अकेले जहन्नम में जाने का उसका प्रोग्राम नहीं है मानता हूं, पूरी जमात बना के ले जाएगा मानता हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि जो बंदे मेरे हैं वो बस मेरे हैं। ताकत लगा के देख ले तेरे नहीं है, और जो तेरा हो गया वो मेरा नहीं, जो मेरा हो गया वो तेरा नहीं। इबलीस से तो खुदा ये कहे कि जो तेरा है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो तेरा नहीं, तेरा और मेरा और। मगर अपने हबीब से वही खुदा कहे जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो आशिक सादिक ने डंके की चोट पर ये कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे उमर राजा को राजा मिल गई, आखिर इतना मुझको मौका मिल गई। इसका मतलब ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, शायर वो बता रहा है। अल्लाह ताला और आप लोगों को तौफीक अता फरमाए और अपने बुजुर्गों के कलाम बलागत निजाम से आशरा होने की मजीद तौफीक दे। हजरत ये फिरौन भाई, या तो तू मुझे गुजराती सिखा ले या उर्दू सीख ले। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान ना हिंदुस्तान देखेंगे ना पाकिस्तान देखेंगे, भरूच के इस जलसे में हम मस्तान देखेंगे। हजरत ये फिरौन बड़ा मूड बना के आया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, माय इट इज राइट, मैं जो चाहूंगा सो होगा, मूड बना करके आया। सजदा कराया, खुदाई दावा किया, दुनिया को अपनी लपेट में लेना चाहा, अत्याचार का बाजार गर्म हुआ, भ्रष्टाचार की मार्केट छा गई, मगर मूसा कलीमुल्लाह पर मेरे मां बाप कुर्बान। उन्होंने फिरौन को गर्क दरिया किया, दरिया में डुबो दिया, लहरों में खत्म कर दिया गया। नबी को खत्म करने चला था फौजी लेके, उसने सोचा था जमात बना करके हम टीम बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, और वो ताकत लगा करके हजरत मूसा पे उसने अटैक किया। हजरत मूसा अपनी कौम को लिए हुए आगे आगे जा रहे थे, फिरौन अपनी फौज को लिए हुए पीछे पीछे जा रहा। अब आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन की फौज है, या अल्लाह हजरत मूसा क्या करें? तो हजरत मूसा ने मोजिजा दिखाया, आसा उठाया, डंडा मारा दरिया पर, डंडा मारा, दरिया का ये धारा इधर हो गया, उधर का उधर हो गया, बीच में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा देखो रास्ता बन गया चलो। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के बीचों बीच पहुंचे तो फिरौन आ गया अपनी फौज लेकर के, देखा बना बनाया रास्ता है, बोला प्रोसीड, फॉलो ऑन, कैरी ऑन, पीछे लगे रहो, पीछे पीछे चलो। फिरौन ने भी अपनी फौज को उसी रास्ते पर उतार दिया। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के उस पार पहुंचे, तब फिरौन अपनी फौज को लेकर बीच में पहुंचा। जैसे हजरत मूसा उस पार हुए दरिया के दोनों पार्ट मिल गए, उसी में डूब गया।
एक बात जरा शहर में रहते हो तो ये बताओ, दरिया के इन बेजान कतरों को, लहरों को, पानी की बूंदों को, जिनमें जान नहीं, अकल नहीं, समझ नहीं, इन बूंदों को, इस दरिया के पानी की लहरों को किसने बता दिया अभी ना मिलो कलीमुल्ला जा रहा है, अभी ना मिलो नबीउल्लाह जा रहा है, अभी ना मिलो रसूलुल्लाह जा रहा है, अभी ना मिलो कलीमुल्ला जा रहा है, और फिर इनको दोबारा किसने बता दिया अब मिल जाओ? फिरौन जा रहा है, काफिर जा रहा है, गद्दार जा रहा है, गुस्ताखे रसूल जा रहा है, मुनकिरे कलीम जा रहा है। तो दरिया की लहरों को जान नहीं है मगर पहचान है। वो नबी और काफिर के पैरों का फर्क जाने, और ये मौलवी बुखारी तक पढ़ गया, नबी और उम्मती का फर्क ना जान सका, रसूल और गुलाम रसूल का फर्क ना जान। वाह 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 वाह, सब समझ गए फिरौन कितने पानी में, पानी में डूबा मालूम हो गया कितने पानी में। नमरूद बेदरूद मरदूद, नमरूद ये भी कोई नाम लेने की चीज है, मैं क्या बोलू, नाम नहीं लोगे तो व्यक्तित्व तो नहीं समझ में आएगा। ये हजरत इब्राहिम के पीछे पड़ गया, और ये भी नबी के पीछे पड़ गया, नबी को माना नहीं, और जब नबी को मनवा नहीं पाया तो कहा जला दो, मिटा दो, हटा दो, घटा दो। जब घटाने से घटे नहीं, मिटाने से मिटे नहीं, तो कोशिश किया जला दो। और आग का एक बहुत बड़ा इंतजाम, आतशकदा बनाया अग्निकुंड, उस अग्नि कुंड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दो। उधर हजरत इब्राहिम आग में जा रहे हैं, अनजान तो घर में रह गए, मगर जिब्रील अमीन की बेकरारी देखो कि तायरे सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा। बार बार जिब्रील आए हैं, हजारों बार जिब्रील आए हैं, मगर जब उनसे पूछा गया कि बहुत तेज कब जाना पड़ा, तो उन तेज जाने वाले मामलों में इस मामले को भी बताया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में जा रहे हैं और मैं बेहद तेजी के साथ उनकी बारगाह में आया, कहो तो बचा लूं। बोलो क्या चाहिए? हल्का हजती या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। हजत इब्राहिम आग में जा रहे हैं, अग्नि कुंड में जा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, भड़कते हुए शोलों में, जिसकी लवर लपक शोला आसमान से बात करे उसमें जा रहे हैं, बचने का कोई चांस नहीं। मगर जरा अदाई इब्राहिम देखो, इत्मीनाने इब्राहिम देखो, सुकूने इब्राहिम देखो, और इरफानी इब्राहिम देखो। जिब्रील से कहा, नो आई एम नॉट नीडी ऑफ योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, आग में जा रहे हैं। अब मैं अगर कोई, बापू एक बात बताओ, अभी कोई गिरने लगे इसी स्टेज से, फौरन अब्बा अब्बा, अरे मोरी माई, अरे मोरी अम्मा, कुछ तो बोलेगा जो उससे नियरेस्ट है, जिसका वो डियरेस्ट है। हमें इतनी ऊंचाई से तो कोई गिरना नहीं चाहता, और आग में जा रहे हैं, मददगार हाजिर है, मदद नहीं ले रहे। वाह वाह, हजरत मूसा रास्ता बना रहे, कोई मदद करने के लिए नहीं आया, तो डंडा मारा, मोजिजा दिखाया, रास्ता बनाया, और ये रास्ता बनाने ही ने बना बनाया, ना इन्हें कुछ बोलना था, ठीक है कर दो मदद, आग ठंडी हो जाए, हो जाती, परे जिब्रील मार दिया जाता, सर्द हो जाती, मगर नहीं, मदद नहीं मांगी। तो जिब्रील ने कहा अल्लाह से दुआ करो, कहा उससे दुआ करने की क्या जरूरत है ना, अरे क्या बता मैं,
वो तो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है। सुभान। वो तो अलीम बेजाती सुदूर है, वो तो मन के भीतर मचलती हुई इच्छाओं को जानता है। वो अलीमुल गैब है, और उस जानने वाले अलीम व खबीर को, उस ज्ञानी को, उस जानकार को, अल्लाह को बताने की क्या जरूरत है। वो तो देख ही रहा है किस कदर इब्राहिम सेटिस्फाइड है, कितना मुतमईन है। और जिब्रील से मदद नहीं ले रहे हैं, हालांकि ये वो जिब्रील हैं, वही इलाही लेकर आवे तो लई ले। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, वही इलाही लेकर जिब्रील आवे तो इब्राहिम ले ले, और मदद इलाही लेकर आए तो क्यों नहीं लिया। वाह वाह। और फिर तकल्लुफ गैर से होता है, जिब्रील तो आपके अपने हैं, हेजिटेशन तो गैर से होता है, ये तो आपका अपना है, मगर बात कुछ और है। इब्राहिम खुदा से मांगते हैं, मांगा है, मांगते रहे हैं, और जिब्रील की मदद से भी इनकार नहीं, मगर मदद की जरूरत हो तब मदद मांगी जाए। जब इमरजेंसी हो तब हाथ फैलाया जाए, जब अदबे इत्मीनान हो तब इत्मीनान मांगा जाए, जब बेकरारी हो तो करार मांगे, जब अशांति हो तब शांति मांगे, जब बीमार है तब सेहत मांगे, जब जरूरत हो तब मांगे। यहां तो जिंदगी को खतरा कहा। बोले आग में जा रहे हो, खतरा नहीं। का तुम समझ रहे हो कि मैं आग में जा रहा हूं, तुम मुझको देख रहे हो, मुझ में नहीं। तुम इब्राहिम को देख रहे हो, इब्राहिम में नहीं। इब्राहिम को मालूम है कि मेरा बेटा इस्माइल अभी पैदा नहीं हुआ। वाह वाह वाह। अभी इस्माइल पैदा नहीं हुए हैं, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है, और जब तक ये नूर रहेगा मैं जलूंगा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी ए मिल्लत। सुभान अल्लाह। किसे आजम ए हिंद जिंदाबाद। उलमाए कराम की अजमतों को सलाम। मुहक्किकीन अहले सुन्नत के कदम को चूमते हुए अर्ज करूंगा कि रब की बेशुमार हिकमतें हैं। इब्राहिम जले नहीं, मगर उसमें एक वजह यह भी है कि अगर इब्राहिम जलते तो नूरे मोहम्मदी जल जाता, और नूरे मोहम्मदी जल जाता तो फिर ये दुनिया के जलवे किसके लिए थे। वाह। यही वजह है कि इब्राहिम में हो तो जलते नहीं, और इस्माइल में आ जाए तो छुरी भी चलाओ तो गला कटता नहीं, क्योंकि गला कटा तो नूर गया। मेरे दोस्तों, हमान शद्दाद जितने लफंगे समाज के गुंडे, जितने नंबर दो के लोग, ये नमरूद, फिरौन, महा इबलीस, 420 जस्ट लाइक इंडियन पुलिस, जो भी हो आप देखें जरा, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, हमेशा सदाचारी से इनका टकराव रहा। लेकिन जब यही नूर जो इब्राहिम में चमका, आदम में चमका, इस्माइल में चमका, जो नबियों को चमका रहा था, वो नूर जो रब तबारक व ताला के कुर्बे खास में था, वो नूर जो तखलीके अव्वल था, जिसे रब बनाकर देख रहा था, और जो रब को बनकर देख रहा था, वो नूर जो रब के कुर्बे खास में चमका, वो नूर जिसने आदम को चमकाया, वो नूर जो नबियों को चमकाता रहा, वो नूर जो रसूलों को चमकाता रहा, वो नूर जो पुश्ताए मुबारका को चमकाता रहा, वो नूर जो अरहामे तैयबा को चमकाता रहा, वो नूर जो अपने पाक बाप और पाक माओ को चमकाता रहा, जो अपने पूर्वजों को चमकाता रहा, जो अपनी माताओं को चमकाता रहा, जो अपने पिता को चमकाता रहा, जो अपने दादा परदादा को चमकाता रहा, जो नबी और वली को भी चमकाता रहा, वही नूर अब हमें चमकाने के लिए मक्के में आ गया है, वही नूर अब हमें चमकाने के लिए अरब में आ गया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर।
नारे रिसालत शेरे हिंदुस्तान। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो बगैर बोले बुत गिरने लगे। सरकार कुछ बोले भी नहीं, सिर्फ मीलाद हुई बुत गिरा। तो अब बुत के ताल्लुकात मीलाद से अच्छे तो होंगे नहीं। तो जिसके ताल्लुकात रसूल के मीलाद से बिगड़े दिखाई दें, समझ जाओ चलता फिरता बुत है। आला हजरत फासले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ले उसको वहाबी कहते हैं, मैं उसे बुत कहता हूँ। इसे के सरकार पैदा हुए तो बुत गिरे थे कि नहीं बताइए, बताइए। फारस का आतश का था ठंडा हो गया था कि नहीं, हाँ? अब बुत गिर गए थे कि नहीं? तो जब मीलाद से चिढ़ के गिर जाए बुत है, अब चलता फिरता बुत है तो बुत है। आए और जिसको दुनिया समझती थी महाविद्वान, अबुल हकम, हिकमतों का बाप, समाज का सबसे बड़ा पाप बन गया हिकमतों का बाप। उसका नाम रखा गया, कुनियत हो गई, उसका टाइटल हो गया अबुल हकम। अबुल हकम धौंस उसकी खूब दबदबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचानवा दिया, ये अबुल हकम नहीं अबू जहल है। अब हम सब लोग उसको जहालत का बाप समझने लगे। चली नहीं किसी की गाड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जजीरतुल अरब में इस्लाम का झंडा लहराया, बद्र उहद खैबर व खंदक में इस्लाम को जिहाद का मफहूम अता किया, मुसलमानों को राह दिखाई, मक्के से मदीना हिजरत करके दुनिया की नापायदारी समझाई, रब की रजा को बुनियादी उसूल में दिलों में उतार दिया। उसके बाद ये ऐलान सुनने को मिला कि ये मेरा हबीब, मेरा महबूब, बस अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब इसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। हम बड़े चक्कर में पड़ गए, ए अल्लाह जब एक फिरौन था तब नबी आवे, एक नमरूद था तो नबी आवे, एक इबलीस के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम आवे, और जब शहर शहर में फिरौन, मोहल्ला मोहल्ला में नमरूद, बेदरूद, पूरी जमात न देखें खूंटी, न देखें खूंटा, जेब में सत्तू हाथ में लोटा, नगरी नगरी गांव गांव खेड़े खेड़े में डेरे डाले हुए ईमान के लुटेरे हैं, अब तो नबी की ज्यादा जरूरत थी। अब तो एक नबी गुजरात में आता गुजराती बोल के समझाता, एक बंगाल में आता मिष्टी भाषा आचे आता तमारू नाम सू छे, और सब उस नबी के पीछे चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ आता कहिए साहब कैसे मिजाज हैं आपके, तशरीफ रखिए, सारे लखनऊ वाले पीछे पीछे हो जाते उसके। कोई तमिल बोलता, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, नबी आते मजा आता, सारे लोगों की कोई तकलीफ न होती, मौजिजा दिखाता, इस्लाम फैलता रहता, नथू राम बे नामो निशान अब्दुल्ला हो जाते। आए ना गौसे आजम की औलाद आई, तो बहुत सारे लोग मुसलमान माने नबी आते तो और मजा आता, मगर नहीं, हे महबूब अब तुम्हारे पास कोई नबी नहीं, तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं है, अल्लाह जरूरत तो मौजूद है। नबी आया था पथ प्रदर्शन के लिए, नबी आया था गाइडेंस के लिए, नबी आया था रास्ता दिखाने के लिए, नबी आया था चरित्र निर्माण के लिए, नबी आया था कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए, नबी आया था प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए, नबी आया था आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, नबी आया था मानसिकता को सही करने के लिए, नबी आया था विश्व शांति की स्थापना के लिए, नबी आया था समाज की पवित्रता के लिए, नबी आया था पूजा पद्धति बताने के लिए, नबी आया था खुदा से मिलाने के लिए, नबी आया था काबा बताने के लिए, नबी आया था जिंदगी बताने के लिए, नबी आया था बंदगी बताने के लिए, नबी आया था जीवन का संविधान देने के लिए, नबी आया था पथ प्रदर्शन के लिए, नबी आया था हिदायत के लिए, नबी आया था गाइडेंस के लिए, नबी आया था रास्ता बताने के लिए, नबी आया था काफिर को मुसलमान बनाने के लिए, काफिर मौजूद और नबी ना आए।
गुमराह मौजूद और नबी ना है, बेअमल मौजूद नबी ना है, बेराह मौजूद और नबी ना है। नबूवत का दरवाजा क्यों बंद किया गया? तो बात मैं इसको मुख्तसर में कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हाशमी सुन, ये मेरा हबीब है, हबीब मैंने इसे मुकम्मल बना दिया। आई क्रिएटेड हिम कंप्लीट, और जो मैंने इसे किताब दिया वो भी कंप्लीट, और जो मजहब दिया वो भी कंप्लीट। तो रसूल तो इसलिए आता था कि कुछ संशोधन करे, मगर मुकम्मल रसूल को मुकम्मल किताब देकर मुकम्मल दीन दिया जिसमें संशोधन नहीं, तो फिर नबी की जरूरत नहीं। और फिर अगर रसूल के बाद रसूल आ गया और वो कुछ अपने आर्डर नए नए लाया, तो लोग कहेंगे कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रह गया था जिसको इन्होंने कंप्लीट किया है, और इनसे कुछ रह तो गया नहीं, तो कंप्लीट की जरूरत नहीं, जब जरूरत नहीं तो नबी क्यों भेजूं। मैंने अपने महबूब पर सारी नियमतें तमाम कर दी। अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन भी मुकम्मल हो गया और सारी नेमतें इन पर तमाम हो गई। मैंने कहा तो जब तू नबी नहीं भेजेगा, रसूल नहीं भेजेगा, नबी नहीं भेजेगा, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हम भारत में इस्लाम कैसे फैलाएंगे? बांग्लादेश में कैसे फैलेगा? नेपाल में कैसे फैलेगा? भूटान में कैसे फैलेगा? अरब में कैसे फैलेगा? अजम में कैसे फैलेगा? इंग्लैंड में कैसे फैलेगा? बेल्जियम में कैसे फैलेगा? हॉलैंड में कैसे फैलेगा? यूरोप में कैसे फैलेगा? कनाडा में कैसे फैलेगा? इस पूरे ब्रह्मांड में इस्लाम कैसे फैलेगा? ये पूरी शीर्ष में इस्लाम कैसे फैलेगा? ये पूरी दुनिया में मैं इस्लाम कैसे फैलेगा? नबी नहीं आएगा तो कौन करेगा? रसूल नहीं आएगा तो कौन करेगा? तूने नबूवत का दरवाजा क्यों बंद किया? रिसालत का दरवाजा क्यों बंद किया? तो मशीयत के करम से यह जवाब मिल गया, हाशमी मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, जरूरत का दरवाजा नहीं बंद किया, हिदायत का दरवाजा नहीं बंद किया, रहबरी का दरवाजा नहीं बंद किया, पथ प्रदर्शन का दरवाजा नहीं बंद किया। बस इतना समझ ले कि जो काम पहले नबीउल्लाह करते थे वही काम अब वलीउल्लाह करेंगे। सुभान अल्लाह। और वलीउल्लाह की पोजीशन और एक बार कैसे समझो, वली बड़ा पावरफुल होता है। और एक करामत वली की मैं ऐसी बताऊं जो हर वली में है, वो करामत हर वली ने किया। ये मुरीद कितनो छाटे, छटेगा मुरीद ही छट जाएगा, लेकिन वली की करामत नहीं छटेगी। एक करामत हर वली में है। एक बात बताओ, तुम्हारे यहां क्या कोई आदमी बगैर मंत्रालय के मंत्री का काम कर सकता है? नहीं ना। अगर प्रेसिडेंटशिप ना हो तो प्रेसिडेंट का काम कर पाओगे? अगर तुम सेक्रेटरीशिप नहीं है तो क्या तुम सेक्रेटरी का काम कर पाओगे? सचिवालय ना हो तो सचिव का काम कर पाओगे? 6 महीने के लिए बनाया था ना, हिसाब किताब चल रहा है ना, बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा? अब राधा में अगर धन मिल जाए तो राधनपुर हो जाए, चल रहा है। पहले बनो फिर हुकूमत करो, पहले बनो तो उसका उत्तराधिकारी, उसका अधिकारी। तो कोई भी नाजिम बगैर निजामत के नाजिम का काम नहीं कर सकता, बगैर सदारत के कोई सदर का काम नहीं कर सकता। तुम सदर का काम करना चाहते हो, पहले सदारत की कुर्सी पर बैठ जाओ, खिताबत की कुर्सी पर बैठो, फिर खतीब का काम करो, निजामत की कुर्सी पर बैठो, फिर नाजिम का काम करो, सदारत की कुर्सी पर बैठो, तब सदर का काम करो। तो दुनिया का हर आदमी सदारत के बगैर सदर का काम नहीं करता, निजामत के बगैर नाजिम का काम नहीं करता, खिताबत के बगैर खतीब का काम नहीं करता, सियासत के बगैर लीडर का काम नहीं करता। मगर अल्लाह के हर वली की ये शान है कि बगैर नबूवत के वो नबी का काम कर रहा है, बगैर रिसालत के वो रसूल का काम कर रहा है, इसलिए कि ये नायब रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नायब की एक अजीब शान ये होती है, जैसे मैं तुमको ये बताऊं नमाज पढ़ना क्या करोगे,
नमाज पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करोगे? वजू करोगे, सीधा सीधा वजू करोगे। अच्छा है, मसनून है, बिस्मिल्लाह करके नियत करके वजू करो, अच्छा है। पहले हाथ धो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, अच्छा है। चेहरा धो, हाथ धो, मसा करो, पैर धो, इस लाइन से। लेकिन अगर तुम उल्टा भी करो, वजू हो जाएगा। सुन्नत छूट गई, वजू नहीं छूटा। तुम नदी में कूद पड़ो, बाहर निकलो, वजू हो गया। उल्टा ऐसा बोले, उल्टा कैसे वजू हो जाएगा? मैंने कहा लिख उर्दू में वजू, वाओ जोआद वाओ, ऐसे पढ़ो तो वजू, उल्टा पढ़ो तो वजू। हनवियों की बात में दम है। पहले वजू करो। तो वजू किससे किया जाता है? पानी से। अब पानी ना मिले तब तो फिर वजू का खलीफा ढूंढो कौन है, वजू का नायब कौन है? तो हम उलमा ने बताया कि तयम कर लीजिए, वजू हो जाएगा। अब उसी लिए मिट्टी लिया और हमने तयम कर लिया। अब नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? जब तक पानी नहीं मिल रहा है, उसी से फजीर, उसी से दोहर, उसी से असर, उसी से मगरिब, पानी मिल गया, सुभान अल्लाह, वजू कर लेंगे। यानी जो काम शरीयत के हम पानी से करते थे, जब उस तक हम नहीं पहुंचे नायब से, तो उसके नायब की तरफ रुजू किया और शरीयत के वो सारे काम उसी नायब से लेते रहे। इसीलिए जब गुनहगारों को बख्शना मकसूद हुआ तो खुदा ने गुनहगारों को काबे की तरफ नहीं भेजा, मस्जिद नबवी नहीं भेजा, मस्जिद कुबा नहीं भेजा, मस्जिद किबलतैन नहीं भेजा, मस्जिद अक्सा नहीं भेजा, नबी के पास भेजा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के पास जाओ, मुस्तफा के पास जाओ, नबी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, अल्लाह को बख्शने वाला पाओगे, यकीनन पाओगे। अगर नबी भी बख्श देंगे, नबी भी शफात कर देंगे, नबी सिफारिश कर देंगे, गुनहगारों नबी के पास जाओ। काबतुल्लाह के पास नहीं खुदा ने भेजा, वो इसलिए कि अगर खुदा ने कहा होता है जुल्म करने वालों, तुम अपने गुनाहों से खुलासी चाहते हो तो काबे की तरफ जाओ, तो फिर हर बंदा मजबूर था कि पाप की गठरी को सर से उतारने के लिए वो काबा जाता, वो किबलतैन जाता, वो बैतुल मुकद्दस जाता। इसलिए कि काबा सिर्फ काबा है, काबा का कोई जानशीन नहीं, काबे का कोई नायब नहीं, काबे का कोई खलीफा नहीं कि काबे तक ना जाओ तो खलीफा से काम ले लो, काबे तक ना जाओ तो उसके नायब से काम ले लो। इसीलिए खुदा ने रसूल के पास भेजा कि अगर रसूल तक ना पहुंचो तो रसूल के नायब के पास चले जाओ, गौसे जीलानी के पास चले जाओ, ख्वाजा अजमेरी के पास चले जाओ, मखदूम कलियाली के पास चले जाओ, मखदूम सेमलानी के पास चले जाओ। और अगर आज के दौर के तुम गुनहगार थे तो सरकार कला के पास आ जाओ, मुख्तार अशरफ के पास आ जाओ, तुम आओ मुहद्दिस आजम के कदमों में, आओ मुफ्ती आजम के कदमों में, आओ मुजद्दिद आजम के कदमों में, आओ सुल्तानुल वाइजीन के कदमों में, आला हजरत अशरफी मियां के कदमों में आ गया, वो भी रसूल के नायब के पास आ गया। अब जो काम रसूल से लिया करते थे वो सरकारे कला से हम लेंगे, वो मखदूमुल मशायख से हम लेंगे, वो साहिबे सज्जादा से हम लेंगे, मुख्तार अशरफ से लेंगे। मालूम हुआ अशरफुल अंबिया का काम अशरफ कर रहे थे, अशरफ का काम मुख्तार अशरफ कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने हुजूर सरकारे कला, खानवादे अशरफिया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। वली हम ने वली कौन है उसको पहचानना आसान कब है? अरे आदमी खुद को तो पहचान नहीं पा रहा है। सही बात। मौलवी को क्या पहचानेगा? ये थाना भवन का कैसा है, ये नानौता का कैसा है, फिर वली को कौन पहचानेगा? खुद को तो पहचानते नहीं। आप कौन है साहब? एक साहब मेरे पास, हजरत मुझे आपने पहचाना। अबे तुझे क्यों पहचानूं मैं? तेरे को पहचानने से मुझको क्या मिलेगा? अरे खुद को पहचानूं तो खुदा मिलेगा। वाह, तुझे मैं क्यों पहचानूं? अब बड़ा शौक है लोगों को कि हजरत मुझको पहचानो, और हजरत सोचते इसके पहचानने से चवन्नी का तो फायदा नहीं। खुद को पहचानोगे तो खुदा को पहचानोगे, स्वयं को पहचानोगे स्वामी को पहचानोगे। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढ बनमा, ऐसन घट में पीऊ है दुनिया जाने ना, अपनी ही नाभि में रखे हुए है और ढूंढ रही जंगल में। ऐसे ऐसे खुशबू सुगंध से सुगंधित होकर आश्चर्यचकित होकर वन वन में घूम रही है और ढूंढ रही है कि ये सुगंध कहां से आ रही। एक दिन थक के उसने मुंडी झुकाई तो नाक पड़ गई नाभ में। ओहो, ये मेरे ही पास, और मैं बन गई बनवास। ये तो मेरे पास है, मगर कब पता चला कि तेरे पास है? जब सर को झुकाया। वाह, यही हाल इंसान का है, अकड़ा हुआ चला जा रहा। मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं दुई पति हूँ। वो पूरे राष्ट्रपति है, 80 करोड़ के पति है। यहाँ चार नहीं करने देते, उधर 80 करोड़ का पति वाला। मैं ये हूँ, मैं मेरे मारुति है, मारुति है। अल्लाह जाने कैसा लौंडा था, माँ को रोती छोड़ गया। बाप हंसता है, माँ रोती है। अरे रोती है तो उसको खुश करो। माँ रोती है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, माँ रोती है। मेरे पास जिप्सी है, मेरे पास ये वन वन सो मोमो छोड़ो यार। न गोमो देखे, न रोमो देखे, बैठ के बैठे बैठे सोमो देखे। ईगो, ये मैं। आपकी पोजीशन ये है कि आप पहले थे नहीं ना, और भविष्य में रहेंगे नहीं। भूतकाल में आप थे नहीं और भविष्य में रहेंगे नहीं, तो वर्तमान में है कहां? जिसका भूतकाल ना हो, भविष्य काल ना हो, उसका वर्तमान असंभव है। तो आप एक छाया हो, एक साया हो, एक अदृश्य हो, कुछ कोई आपकी वास्तविकता तो है नहीं, अकड़े बैठे। लेकिन जैसे ही सर झुकाया तो मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु का जलवा नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान। तो हम क्या जाने वली कौन? तो चलो सीधे सीधे उसी से पूछ लें जिसने वली बनाया। ये बनाने वाले, तूने वली बनाया, तूने उसके बारे में क्या बताया? तूने वलियों के बारे में क्या बताया? तो फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई भय है, ना वो दुखी होते हैं। तेरे दोस्तों, खुश तो तुम भी होते हो और हम भी, दुआएं तुम भी देते हो और हम भी, मगर मन में दुख ना हो, चिंता ना हो,
प्रतिक्रियावाद ना हो, बदला लेने की भावना ना हो, किसी को बर्बाद करने की इच्छा ना हो, अपने प्रतिपक्ष को धूल चटाने की व्यवहारिक चेष्टा ना हो, अपने मुखालिफ को बर्बाद करने का हौसला ना हो, दुआ ही देते जाओ, यह सबके बस की बात नहीं है। कोई तुम्हारे काम आएगा तुम उसे दुआ दोगे, कोई तुम्हें पानी पिलाएगा तो तुम दुआ दोगे, भूखे को रोटी खिला दोगे वो दुआ देगा, गरीब को रुपया दोगे वो दुआ देगा, किसी बेकपड़े वाले को कपड़ा पहना दोगे वो दुआ देगा। दुआ तब देते हैं जब दुआ देने वाले को कुछ सेवा की जाए, उसको जो पसंद है वो दिया जाए, उसकी सेवा किया जाए। तुम भी उसे दुआ दोगे जो तुम्हारा हज का कि मंजूरी लेकर आ जाए, उसे तुम दुआ दोगे जो तुम्हारा हरमैन का वीजा लेकर के आ जाए, तुम उसे भी दुआ दोगे कि अगर तेरी बेटी का वीजा फंसा हुआ हो और इंग्लैंड जाना हो और कोई लाकर उसे मंजूरी ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूरी दिलवा दे, तुम उसे दुआ दोगे। जब तुम्हें कोई देगा तो तुम दुआ दोगे, मगर अगर किसी ने पत्थर मारा तो तुम पत्थर का जवाब पत्थर से दोगे, अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ कमेंट किया तो तुम भी अपनी जबान से उसको कंडम करोगे। तुम अगर तुम्हें कोई गाली देगा तो तुम उसे जवाब में गाली अगर नहीं भी देते तो नफरत का इजहार करोगे। ये तुम्हारी आम जिंदगी है कि तुम्हें जब कोई मदद करता है तब तुम उसको दुआ देते हो, मगर जिस सरकार कला का तुम जश्न मना रहे हो वे उस वलिये कामिल का नाम है कि जमात के लोगों ने उसे गालियां दी वो दुआ देता रहा, उस पर हमले किए वो दुआ देता रहा, उसके चरित्र हनन किया गया वो दुआ देता रहा, वो उनकी हिदायत की दुआ देता रहा, अबू लहब का रिश्तेदार कहा गया वो दुआ देता रहा, नसब पर हमला किया गया वो दुआ देता रहा, उसके बाप दादा को दफाली कहा गया वो दुआ देता रहा, उसकी इज्जत आसमत पर हमला किया गया वो दुआ देता गया। मैंने पूछा सरकार कला तुम अपने गाली देने वाले इन्हें दुआएं क्यों दे रहे हो, कहा सुन उनका जिस घर से ताल्लुक है वहां गालियां सिखाई गई है, मेरा नबी से ताल्लुक है, अली से ताल्लुक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार जिसका ताल्लुक पंजाब से होगा वो पंजाबी बोलेगा, जिसका गुजरात से होगा वो गुजराती बोलेगा, जिसका बंगाल से होगा वो बंगाली बोलेगा, और जिसके बाप दादाओं का ताल्लुक गाली देने वाले घराने से होगा उसकी औलादें गाली देंगी, मगर अली का घराना, फातिमा का घराना, इमाम हसन का घराना, इमाम हुसैन का घराना, रसूल पाक का परिवार पत्थर खा के दुआ देता रहा, कांटे बिछाने दुआ देता रहा, भूखा रहा दुआ देता रहा, प्यासा रहा दुआ देता रहा, अली अली अकबर की गर्दन कट गई और हिदायत की दुआ ही करता रहा, रहबरी की दुआ ही करता रहा। सरकार कला की सियादत उनका सैयद होना उनके चरित्र से कि उनके किरदार से पता चला कि मुख्तार अशरफ सरकार कला एक जलील का नाम है और उनसे टकराने वाले एक जलील का नाम है। जलील जलील होता है, जलील जलील होता है। सुभान अल्लाह, सुभान मैं कोई चीज बनती है तो बनाने के पीछे मटेरियल चाहिए। वाह, मकान अच्छा बुरा बनने से नहीं होता, मटेरियल से होता। भाई आरबीसी का मकान बनाओगे झोपड़पट्टी से अच्छा होगा। बनाने वाला आर्किटेक्ट, मैंने उससे कहा तुम इंजीनियर हो, बोले यस सर मैं इंजीनियर हूं। मैं कहा झोपड़पट्टी बना, मिट्टी से बना, मैं मिट्टी दूंगा वो अच्छा मकान बना पाएगा, चाहे अमेरिका से आया हो। इंग्लैंड से एक बिल्डर आया, हजरत मैं आपकी बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, मैंने कहा मिट्टी से बना और घास फूस लगा, वो बढ़िया बिल्डिंग बना पाएगा। हालांकि ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। अबे तुम कितने ही अच्छे बिल्डर हो, मटेरियल ही नहीं है तो कैसे बनाओगे। वाह क्या खूबी सारा है। वाह, अरे जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था उन्हीं मजदूरों ने घर भी तो बनाया था, ये घर क्यों नहीं ताजमहल की तरह हुआ? क्योंकि मटेरियल घटिया था।
लेकिन जब ताजमहल को शाहजहां ने बनाया, मटेरियल अच्छा दिया। अच्छा मटेरियल होगा तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। ये जो लोग सैयदों के खिलाफ पड़े हैं, ये एक बिल्डिंग है। जरा किस करीब से देखना किस मटेरियल से बनी है। वाह वाह वाह, किस जात पात के हो भाई, किस कौम के हो, किस कबीले से ताल्लुक है, माल कहाँ का है। वाह वाह वाह, रेती नहीं लगी क्या, मोरंग नहीं था, एक बारह का मसाला लगा दिया, एक बोरा सीमेंट में बारह बोरा रेता डाल दिया, एक बारह का मसाला है। बोले सरकार कला सॉलिड क्यों है, का इधर देख मटेरियल में इमाम हसन का खून है, इमाम हुसैन का नसब है, फातिमा जोहरा की चादर है, मखदूम अशरफ की अशरफियत है, गौसे आजम की गौसियत का साया, गरीब नवाज की गरीब नवाजी का साया, सरकार अली हुसैन की महबूबियत का साया, सुल्तानुल वाइजीन जिसका बाप। सुभान अल्लाह। सुल्तानुल वाइजीन जिसका बाप, हम शबीह गौसे आजम जिसका दादा, मुफ्ती आजम और सदुल्ला फाजिल जिसके उस्ताद, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र अल्लामा अब्दुल रशीद खान साहब, हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब, अब्दुल रशीद खान साहब नागपुरी, ये जिसके उस्ताद सदरुल्ला फाजिल, जिसकी बहन अहलिया मुहद्दिसे आजम, सुभान अल्लाह, जिसका भांजा शेखुल इस्लाम, सुभान अल्लाह, जिसका बेटा शेख तरीकत, जिसका दादा हम सभी है गौसी आजम, जिसका मुर्शीद गौसुल आलम, जिसका दाता गरीब नवाज, जिसका परदादा गौसे आजम, जिसकी दादी माँ खातून जन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकबीर नारे रिसालत। तो सैयदों की बिल्डिंग मजबूत क्यों है, मटेरियल अच्छा है। सैयदों की बिल्डिंग मजबूत क्यों है बापू, मटेरियल अच्छा है। और ये मजबूत बिल्डिंग से लो है, इनका मटेरियल कैसा खुल जाएगा कि नहीं, या तेरी खोपड़ी पहाड़ से टकराएगी, तेरी खोपड़ी पहाड़ से टकराएगी तो पहाड़ तो टूटेगा नहीं, यही टूटेगा और अंदर का माल बाहर हो जाएगा। जो भेजा है, जितना भी भेजा है, तेरे भेजे में जो जो भेजा है, और जाने कहां से भेज भेज कर भेजा है, वो सब बाहर आ जाएगा। तो बैकग्राउंड में इन चीज है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आजम सिलसिले अली अशरफिया, हम शबी है गौसे आजम, आरिफ हक, सूफी बासफा, शेखुल मशाइख, मखदूमुल औलिया, हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, जिस वक्त महबूब इलाही सरकार निजामे पाक की बारगाह में मस्जिद में मसरूफ इबादत थे, तो ताजदारे ताजदारा शेखुल मशाइख खातिमुल अकाबिर हज़रत सैयदना आले रसूल मारा रवि रजी अल्लाह ताला मारा शरीफ ने इमाम अहमद रजा को बुलाया। इमाम अहमद रजा उनके मुरीद थे और कहा अहमद रजा इधर आओ, सीधे दिल्ली चले जाओ, वहां की मस्जिद में फलक खंभे के पास एक बुजुर्ग तुझे इबादत करते हुए मिलेंगे, और जिस चिल्ले में वो बैठे हैं उसका तीन हिस्सा वो पार कर चुके हैं, आखिरी मरहले में है, मुझे हुक्म हुआ है कि उस आखिरी मरहले को मैं दे दूं, उनकी अमानत मेरे पास है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हें तुम दिल्ली से लेकर के मारहरा आ जाओ। अहमद रजा सुनो, वाले रसूल हैं, अदब से ले आना, और ये भी ये ध्यान रखना कि वो हम शबी है गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। इधर इमाम अहमद रजा अपने पीर के कहने पर दिल्ली चल पड़े,
पहुंचे महबूब इलाही की दरगाह में पहुंचे, मस्जिद में देखा वही बुजुर्ग सूरत जो पीरो मुर्शिद सैयद अली रसूल मरह रवि रजी अल्लाह तआला ने कहा था वैसे ही मिले। इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आला हजरत शफी मियां ने कहा मरहरा से आ रहे हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुताज्जिब हो गए इमाम अहमद रजा कि मैंने तो बताया भी नहीं मैं कहां से आया हुई है। अशफी मियां को पता कैसे चल गया, मगर वो ये समझते थे कि दिलों के रिश्ते दिखाई नहीं देते। अदब से शाहली हुसैन कछोछवी को लेकर मराहरा पहुंचे और मराहरा में सैयद आले रसूल मारा रवि ने अशरफी मियां को खिलाफत दी, खिलाफत दी और कहा कि सैयद अली हुसैन मैंने तुम्हें खिलाफत दे दी है, अब तुम्हारे बाद मैं किसी को खिलाफत नहीं दूंगा ताकि तुम मेरे सिलसिले के खातिमुल खुलफा कहलाओ। सुभान अल्लाह। मैं महाराजा शरीफ में पिछले साल हाजिर हुआ था उर्स बरकाती और नूरी में मेरी शिरकत हुई, मैंने दो दिन वहां कयाम किया, तकरीर किया। उसमें साहिब सज्जादा ने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब सैयद अली रसूल मारा रवि ने सैयद अली हुसैन कछोछवी को बुलाया तो कमरे में बुला के कहा अली हुसैन अपनी पीठ खोल करके कपड़ा ऊपर उठाओ, पीठ खोलो और मेरी भी पीठ खोल दो और मेरी पीठ से अपनी पीठ मिला लो, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मैं सब कुछ तुम्हें दे देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर इस मालामाल गौसे आजम का पोता गरीब नवाज का इंतखाब, सुभान अल्लाह, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का निगहबान, सिलसिले चिश्तिया निजाविया के समंदर का गवासे आजम, सुभान अल्लाह, बहरे तरीकत का गौहरे नाबदार, इंतखाबे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सेमनानी फैजे बगदादो जीलानी, सुभान अल्लाह, अशरफी मियां मालामाल होकर जब बाहर आए और आशिके रसूल मोहिब्बे सादात गुलामे अहले बैत गौसे आजम का वफादार अहले सुन्नत का ताजदार सुभान अल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सुभान अल्लाह इमामे इश्को मोहब्बत सुभान अल्लाह फखरे सुन्नत काते बिदात सुभान अल्लाह माहिये नजदियत हामिये सुन्नत हम आमिले किताबो सुन्नत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा ने जब शाह अली हुसैन को निहायत गहराई से देखा तो कहा अशरफी है रुखत आईन है हुस्ने खूबा ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अशरफी तेरा चेहरा गुलों का दर्पण है खूबियों का आईना है तुझे तीन महबूबों ने पाला है तुझे तीन महबूबों ने संवारा है तुझे तीन महबूबों ने निखारा है तू तीन महबूबों का पाला हुआ है और तीन महबूबों ने तुझ पर नजर किया है सुभान अल्लाह ए नजर कर दो परवरदा नजर करदा हो परवरदा हो से महबूबा तीन महबूबों के पहले महबूब का नाम है महबूब सुबहानी गौसे आजम दूसरे महबूब है महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन और तीसरे महबूब है महबूब यजदानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सेमनानी तीनों महबूबों ने मैं पूछता हूं जिस सिलसिले अशरफिया में अली हुसैन हो और जिस अली हुसैन को गौसे आजम निजामुद्दीन महबूब इलाही और मखदूम अशरफ ने पाला हो तो उस सिलसिले से टकराना अजमेर से बगावत है बगदाद से बगावत है गौसो ख्वाजा से बगावत है बेशक बेशक ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा बेशक अशरफी मियां पर तीन महबूबों की नजर थी मगर ऐ मेरे अशरफी भाइयों
एक सच्ची बात ये भी सुन लो, तुम जश्न सरकार कला मनाते हो, मैंने सरकार कला के सामने कहा था कि अशरफी मियां तो तीन महबूबों के नजर किए हुए पाले हुए हैं, लेकिन सरकार कला आपको चार महबूबों ने पाला है, चार महबूबों ने नजर किया है, इसलिए अशरफी मियां में तीन महबूब, आला हजरत अशरफी मियां में तीन महबूब, बगदाद वाले महबूब इलाही, देहली वाले महबूब यजदानी, किछौछा वाले, तीन महबूबों ने पाला। अशरफी मियां की सूरत में तीन महबूबों के नजर करदा का नाम सैयद अली हुसैन, तीन महबूबों के पाले हुए का नाम अशरफी मियां, और तीन महबूबों के नजर करदा का नाम अशरफी मियां। मगर अशरफी मियां ने खुद को थोड़ी पाला था, वाह, जो अशरफी मियां खुद जो महबूब थे, वाह वाह, बगदाद वाला महबूब सुभानी, दिल्ली वाले महबूब इलाही, किछौछा वाले महबूब यजदानी, और खुद अली हुसैन महबूब नूरानी, सुभान अल्लाह, खुद अशरफी मियां महबूब नूरानी, तो ये चार महबूब। लेकिन अशरफी मियां ने खुद थोड़ी नजर किया था, वो तो जब सरकार कला पैदा हुए और अशरफी मियां ने इन पर नजर किया, इन्हें पाला, अपना जानशीन बनाया, अपना सज्जादा नशीन बनाया, अपना नायब बनाया, अपनी दौलत इन्हें अता किया, अपनी रूहानियत दिया, शरीयत फहमी दिया, तरीकत के असरार दिया, मार्फत के रुमूज दिया, हकीकत के राज बताए, इन्हें अपना बनाया, इन्हें निखारा। तो अशरफी मियां को तीन ने संवारा था, सरकार कला को चार ने संवारा है, सरकार कला को चार ने अपनाया है, सरकार कला को चार ने नवाजा है। इसलिए सरकारे कला से टकराने वाला न सिर्फ अशरफी मियां से टकरा रहा है, महबूब इलाही का भी गद्दार है, महबूब सुबहानी का भी गद्दार है, मखदूम किछौछा का भी गद्दार है। और वलियों के गद्दार को जब अल्लाह ने माफ नहीं किया तो अब्दुल्ला भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह वाला भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तो कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह, वलियों के बारे में खबरदार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीर क्या होता है कोई बता पावे या ना बता पावे, मैं जरूर बताऊंगा। याद रखो, पीर यहां आ गया, आपने दामन पकड़ लिया, गौसे आजम का पोता है, सरकार गरीब नवाज का गुलाम है, हिंद के राजा हैं ख्वाजा, बोलो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा हैं या नहीं? कौन है सुल्तानुल हिंद? ख्वाजा गरीब नवाज। कौन है सुल्तानुल हिंद? ख्वाजा गरीब नवाज। हिंद अल वली, ख्वाजा सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा ख्वाजाओं के भी ख्वाजा, राजा भी और राजाओं के राजा, बल्कि राजाओं के महाराजा, हमारा ख्वाजा सबका महाराजा, तो हम हुए परजा। वाह, सारे उलमा परजा। वाह, भारत के सारे वली परजा। वाह, गरीब नवाज राजा। सुभान अल्लाह, मैं से कहता हूँ तुम भी हो परजा। सुभान अल्लाह, तो परजा की तरह रहो। वाह, राजा बनते हो, खाना खिलावे खाजा, मदरसे में बनो राजा। सुभान अल्लाह, जो तुम्हारी वास्तविकता है उसी पर ठहरे रहो। बेशक हाशमी जब गरीब नवाज के टुकड़ों पे पल रहा है तो तुम मोटी बोली कहां से बोल रहे हो? बेशक खाजा ही खाजा है, भारत का राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, वही हमारा राजा है, हम उसकी परजा हैं। तो परजा को परजा की तरह रहने दो, राजा को राजा की जगह रहने दो। और सिक्का परजा का नहीं चलता, सिक्का राजा का चलेगा, झंडा राजा का लहराएगा, कानून राजा का चलेगा, देश में जिसे आने देगा वही आएगा, और जिसे रोकेगा वही रुकेगा, और जिसे फैलाएगा वही फैलेगा, और जिसे भगा देगा कोई बुलाने वाला नहीं, और जिसे बुला लिया उसे कोई हटाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, ये हटाने चले हैं। मदनी मियां की तकरीर ना हो, राशिद मियां की तकरीर ना हो, हाशमी मियां की तकरीर ना हो, और राजा कहता ही नहीं की हो, परजा जमा हो गई। तुम नहीं आए हो, ये ख्वाजा ने भेजा है।
तो चलते हिंदुस्तान में ख्वाजा की वाह सिक्का चले उनका विलायत का ताजदार ख्वाजा और डांटते हो गरीब सुन्नियों को अमीर है चंदा है मोटा बंदा है अरे अमीर बनता है जमात का अमीर है हमें तुम जमात के अमीर हो तो तुमको अमीरी मुबारक हो हम सुन्नियों को गरीबी मुबारक हो गरीबी हमारी ताकत है देखो ना अब गुजरात का मुख्यमंत्री मांग रहा है दरवाजे दरवाजे पे मांग रहा नोट लो वोट दो नोट लो वोट दो कुछ दे रहा है लेकिन कुछ ले रहा है भिखारी बना घूम रहा मांग रहा है दरवाजा दरवाजा डोर टू डोर प्लीज गिव मी वोट हाँ दे दो ना मांगता फिर रहा है तो बोलते हम अमीर हैं अबे कितने कमजोर हो कि गरीबों की चौखट पर खड़े हो लेकिन गरीब ये तो बड़ी किस्मत वाले होते हैं अच्छा दूसरे देश का मामला जैसे इंग्लैंड है हॉलैंड है बेल्जियम है जर्मनी ऑस्ट्रेलिया है ये सब जगह गरीब को रिस्क हो सकता है खतरा हो सकता है टोरंटो में खतरा हो सकता है ब्लैकबर्न में गरीब को खतरा हो सकता है बोल्टन प्रिस्टन में हो सकता है दिखाई भी दे रहा है और लंदन में हो सकता है ग्लासगो में खतरा हो सकता है कनाडा अमेरिका में गरीब को खतरा हो सकता है लेकिन भारत में गरीब को कोई खतरा नहीं है अमीर को खतरा है घर से करोड़ों रुपया निकल रहा है नाम रखा सुख पहुंच गया दुख मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता हाँ कहां मिलेगा आराम सुख आराम आराम आवरा दो ताकि नाम में चेंज हो जाए वो काय को नाम ले दुख पहुंच गया मगर हम गरीब को यहां कोई रिस्क नहीं नेपाल में गरीब को खतरा हो सकता है भूटान में हो सकता है अमीर मस्त रहे लेकिन भारत की धरती पर अमीरों को खतरा हो सकता है अमीर को रिस्क है अमीर को डेंजर है लेकिन गरीब को कोई खतरा नहीं वो जानते हो वजह क्या है क्योंकि भारत में अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद तो मैं ज्ञान करना चाहता हूं कि किसी चीज को पाने में कितना खर्च होता है उस चीज की वही वैल्यू है बेशक एक घड़ी 200 रुपए में मिलती है उसकी वैल्यू 200 की है एक घड़ी 500 में मिलती है 5000 में 10000 में 40000 में 1,20,000 में घड़ी सब घड़ी है मगर जो लाख रुपए में मिली है उसकी कीमत लाख है वैल्यू लाख है लेकिन जो 500 में मिली है उसकी वैल्यू 5 है कितना गंवाने पर क्या मिला आज यही लिए तो कीमती है कि 55,000 से नीचे हो ही नहीं रहा लेकिन क्या बंबई जाना भी इतना ही कीमती है जब चाहो नर्मदा में मुंह डाल के पी लो लेकिन जो दुर्लभ हो उसे हम बैठ के नहीं पिएंगे आप जमजम लेकर लोग आए हम खड़े होकर पी रहे ये देखते हैं कनेक्शन किससे है गंगा है तो बैठ के पियो जमुना है तो बैठ के पियो नर्मदा है तो बैठ के पियो राप्ती है तो बैठ के पियो ताप्ती है तो बैठ के पियो कावेरी है तो बैठ के पियो गोमती है तो बैठ के पियो ब्रह्मपुत्र है बैठ के पियो टंकी का पानी बैठ के पियो मटके का पानी बैठ के पियो म्यूनिसिपलिटी का पानी बैठ के पियो पाइप का पानी बैठ के पियो गढ़ी का पानी बैठ के पियो तालाब का पानी बैठ के पियो आप ऐसे खड़े हो तजीम करो और वो भी खड़े हो जाते हैं पानी के लिए खड़े हो गए नबी के लिए नहीं इनका पानी निकाल लो नबी के लिए नहीं खड़े हुए बताओ आप जमजम बड़ा है कि नबी बड़े हैं नबी बड़े हैं ना तो छोटे के लिए खड़े हो गए बड़े के लिए नहीं
अच्छा ही बताओ, आबे जमजम किसी नबी के मुंह से निकला एक पैर से? तो जो पैर से निकले उसके लिए खड़े हो गए सरापा नबी के लिए? आबे जमजम खड़े होकर पियो नबी की बात है, मिलाद में खड़े हो जाओ रसूल के लिए नबी की जात है, बात के लिए खड़े हो गए जात के लिए नहीं। तुम मेरे हर जलसे में रहना, इसलिए कि तुम्हारे बोलने से लोग तुम्हें देखते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, इस तरह सब देखते ही देखते रहते मुझे रेस्ट मिल जाता है। तो किसी पानी में इन्वेस्टमेंट कितना, ताजमहल में कितना खर्च हो गया, बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बहुत कीमती है, उसका प्रोटेक्शन करो। आपको पीर कितने में मिला? किसी को 10 रुपये में, किसी को 5 रुपये में, किसी को फ्री में, ये सच है या नहीं? बापू मैं आ गया, मुरीद तो फ्री में हो जाते, किसी ने 10 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, तो फ्री में पीर मिल गया ना, क्या कदर करोगे, कितनी मान सकोगे अपने उस पीर की जो फ्री में मिला? फ्री में मिलने वाली चीज की इज्जत ही कितनी। एक मेरा पीर, तेरा पीर, इनका पीर, उनका पीर, और अगर कभी पीर आया नहीं, ढूंढने निकले अहमदाबाद चले गए, चलो उधर पीर ढूंढते हैं, भरूच में पीर ढूंढते हैं, खेवा से भरूच आ रहा है, कितना लगेगा बापू? 100 रुपया ना, 50 रुपये में मामला पट जाएगा। कितना किराया? अगर तुम अजमेर शरीफ गए पीर ढूंढने, बरेली शरीफ गए, किचौचा शरीफ गए, तो कितना खर्चा हुआ? 500 रुपया पकड़ लो, चालू डब्बे में घुस जाओ, चलते रहो, चालू हो तो चलते रहो, चालू हो, चालू अंदर से चालू गया, चालू अंदर से पीर मिला, फ्री में 500 रुपया लगा, क्या वैल्यू है आजकल 500 की? 50 रुपया दिया नजराना पीर को, मुरीद हो गए, किसी ने नहीं दिया फ्री हो गए, किसी ने 10 रुपये का माला पहना दिया, मुरीद हुआ तो माला 10 रुपया खर्चा हुआ, किसी ने वो भी नहीं किया तो वो भी बच गया, बिल्कुल टोटल फ्री। अभी ऐलान हुआ जिसको मुरीद होना हो हज मुमिया से मुरीद हो जाओ, बैठे बैठे फ्री फंड में पीर मिला, कितना मानोगे हशमी की? क्या खोया है तुमने मुझे पीर बनाने में? क्या लगा तेरा, कितना त्याग है, क्या बलिदान है, क्या सक्रीफाइस है तेरी? लेकिन सुन, जब मखदूम अशरफ को पीर की तलब हुई तो उन्होंने पीर को पाने के लिए अपनी बादशाहत छोड़ी, अपनी सत्ता छोड़ी, अपना राज छोड़ा, शाही खजाना छोड़ा, हीरा, डायमंड, सो गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोना, रुपया, पैसा, दबदबा, सत्ता, दरबार, महत्व, महंता, डिक्टेटरशिप सबको छोड़कर बंगाल की तरफ पैदल चल के अपने पीर और मुर्शिद के कदमों में पहुंचकर पीर का दामन पकड़ के मखदूम ने बताया, ये वही हक है, ये निजामुद्दीन का वही चराग है, ये गरीब नवाज का वही महताब है, ये सिलसिले चिश्तिया का वो आफताब है, जिसके लिए मैंने हीरा छोड़ा है, मैंने सोना छोड़ा है, मैंने चांदी छोड़ा है, हुकूमत छोड़ा तो पीर पाया, मखदूम अशरफ ने साबित किया उनका पीर उनकी हुकूमत से ज्यादा कीमती है, सोने से ज्यादा कीमती है, हीरे से ज्यादा कीमती है, जवाहरात से ज्यादा कीमती है। वो सिलसिले अशरफिया जिसकी बुनियाद में तर्क हो, मुजाहिदा हो, रियाजत हो, तलब मौला हो, जिसमें मखदूम अशरफ की जात हो, नबी की बात हो, ज़ुल्फ़िकार हैदरी की धार हो, हसन मुजतबा का विकार हो, शहीद करबला का हौसला हो, अब्बास अलम बरदार की वफा हो, अली अकबर की जवानी हो, और हजरत कासिम का बागपन हो, गौसे आजम की दुआ हो, गरीब नवाज की तमन्ना हो, मखदूम अशरफ का बलिदान हो, वो सिलसिले अशरफिया अशरफियों की जमात है, ठिकरियों की जमात नहीं है, पत्थरों की जमात नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, शेरे हिंदुस्तान,
زندہ باد ملت زندہ باد مختوم سمنانی جب تمام ریاضتیں کر کے ایک مقام پر پہنچے جب پہنچے وہاں پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو مخدوم سمنانی سے پیر نے کہا ہم مشائخ چشت کا ایک اصول رہا ہے ہمارے مشائخ چشت کا سلسلے چشتیہ کا ایک اصول رہا ہے کہ ہم کسی بھی قابل قدر شخصیت کو کوئی خطاب دیتے ہیں پیر خطاب دیتا ہے مرید کو پیر خطاب دیتا ہے مگر اشرف میں تمہیں خطاب نہیں دینا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ خدا تمہیں خطاب دے میں انتظار میں ہوں کہ آسمانی خطاب کب تجھے ملتا ہے چنانچہ مخدوم سمنانی نے سر جھکایا پیر و مرشد کے پاس سے چلے آئے آؤ کچھ ہی دن گزرے تھے مرشد کی بے قراری بڑھ گئی کہ خطاب نہیں آ رہا ہے کتنے میں خانقاہ کی ایک ایک در و دیوار سے ایک ایک دروازے سے ایک ایک دیوار سے چھت سے آواز آ رہی ہے جہانگیر 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 یہ اوپر سے خطاب ملا سبحان آج کل خطاب نیچے سے جا رہا ہے مرید اپنے پیر کو خطاب دے رہا ہے شاگرد اپنے استاد کو امام علم و فن کہہ رہا یہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو محدث کبیر کہتے ہیں فقیہ الاثر کہتے ہیں یہ نیچے والے بڑوں کا درجہ بتاتے ہیں ہمارے ہاں اوپر والے نیچے کا درجہ بتاتے ہیں ان کے ہاں نیچے والے اوپر کا درجہ بتاتے ہیں لوٹا دریا کو بتانے چلا دریا سمندر کو بتائے گا ابے غوث و خواجہ کیا ہیں مولوی بتا پائے گا حاشمی بتا پائے گا غوث کیا خواجہ کیا علی سے پوچھو تاکہ دونوں کو ناپ کے بتا دے غوث اعظم میں تنے غریب نواز تنے ہم کیا جانے دونوں کے تنے ہم تو جانتے ہیں کہ دونوں عطائے رسول ہیں سبحان اللہ دونوں ادائے رسول ہیں سبحان دونوں رسول کی دو آنکھیں ہیں سبحان دونوں دستے قدرت ہیں ایک مرتبہ میں نے ٹالنے کے لیے یہی کہا غوث اعظم غریب نواز میں کیا فرق ہے میں نے کہا دونوں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہیں میرا پیچھا نہیں چھوڑا میں نے ٹالنے کے لیے کہا دست قدرت ہیں میں کہا کو چھوٹا بڑا بولوں اب پھر بولوں کیا پڑھا لکھا مجمع ہو سمجھے وہ باریکی کو سمجھے عوام کیا سمجھے گی لو ولیوں کو چھوٹا بڑا کر رہے ہیں ولیوں کو چھوٹا بڑا کریں گے تو خود ہی چھوٹے بڑے ہو جائیں گے ان کو برابر کرنے جائیں گے خود ہی برابر ہو جائیں گے تیرا بھوشیہ برابر ہو جائے گا میں نے ٹالنے کے لیے کہا جانے دے دونوں دست قدرت ہیں مگر وہ تھا بڑا چالاک بولا اس میں دہینہ کون ہے بایاں کون ہے تب میں بھی جان کیسے بچاؤں میں بھی نہلے دہلا مارا میں نے کہا اللہ دہینے بائیں سے پاک ہے مخدوم سمنانی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عبد الرزاق نور العین نے اپنی خدمت سے مجھے اپنا بندہ بنا لیا سبحان اللہ 20 سال تک میرے بچے ہوئے وضو کو چپکے یہ پیتا تھا میں نے خدا سے دعا کیا ہے کہ میرے بچے ہوئے وضو کے پانی کو چھپ کے جو نور العین پیتے تھے تو ان کی اولاد میں اس آب حیات کے اثرات ظاہر ہو قیامت تک عبد الرزاق نور العین کی اولاد میں اس کی برکتیں ظاہر ہو پھر مخدوم صاحب فرماتے ہیں مریدوں سے سنو رب نے میری دعا قبول کر لیا سبحان اللہ گویا عبد الرزاق نور العین کی اولاد میں ہر دور میں ولی رہے گا سبحان اللہ
क्योंकि मखदूम अशरफ ने जमानत लिया है। ये भारत के मदद से बनी हुई इमारत नहीं है, ये मदीने वाले के कलम से बनी हुई सल्तनत है। मखदूम अशरफ किसी कारोबार का नाम नहीं, मखदूम अशरफ किसी कारखाने का नाम नहीं, मखदूम अशरफ किसी ताल्लुकेदार का नाम नहीं, मखदूम अशरफ एक रूहानी सल्तनत का नाम है, एक रूहानी सुल्तान का नाम है, गरीब नवाज की करामत का नाम मखदूम अशरफ है, कुतुबुल आफताब की हिमायत का नाम मखदूम अशरफ है, बाबा फरीद गंजे शकर की इनायत का नाम मखदूम अशरफ है, महबूब इलाही के फजल व करम का नाम अशरफ है, आईने हिंद के जलवों का नाम मखदूम अशरफ है, शेख उलाउल हक के दबदबे का नाम मखदूम अशरफ है, बगदाद की तमन्नाओं का नाम अशरफ है, अजमेर की फजाओं का नाम अशरफ है, मदीने के सफीने का नाम अशरफ है, हसन और हुसैन की अमानतों के मुहाफिज का नाम अशरफ है, फातिमा की चादर की पाकीजगी की दलील का नाम अशरफ है, अहले बैत की तहारत की हुज्जत का नाम अशरफ है, अहले बैत के विकार के सबूत का नाम अशरफ है, इस्लाम की हक्कानियत का नाम अशरफ है, सुन्नियत की पहचान का नाम अशरफ है, और ये जन्नत में पहुंचाने वाले का नाम अशरफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, खान वादे अशरफिया, जश्ने हुजूर सरकारे कला। एक शेर पर बात खत्म करता हूँ। अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, सुभान अल्लाह, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, अब याद कर लो अशरफी नाज कर, आप भी मेरे साथ बोलिए अशरफी नाज कर तू अशरफ पर। कौन पाता है खानदा ऐसा, कौन पाता है खानदा ऐसा, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदा ऐसा। वाखरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलाल बदरु अलैना من سنیات الوادائی وجبت شکر علینا مدا للہ دائی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ یا شفیع المذنبینا یا رؤوف المؤمنین رحمت للعالمین پھر سے دکھلا دو مدینہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکا یا نبی اللہ ایک شبھ سماچار ہے گوڈ نیوز ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ سب کو بتا دوں تاکہ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے یہ 5 تاریخ کو سنیچر ہے کل ٹنکاریا میں جلسہ ہے ٹنکاریا is nearest and for سنی کمیونٹی dearest too تو 5 کو ہم ہیں ٹنکاریا میں اور 6 کو پالج میں یہ سنڈے ہے 6 کو سنڈے ہے پالج میں ہیں اور 7 کو سوموار جمبوسر میں ہم ہیں اور 8 کو انکلیشور میں ہیں اور 9-10 کو ہم سورت میں ہوں گے اور 11 کو بھی وہیں کے قریب ہوں گے لیکن 13 تاریخ کو پھر ہم کھیڑا میں آ رہے ہیں اور کھیڑا جو ہے آپ کے علاقے کی آخری تقریر ہے فائنل تقریر ہے ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسا کیسا چل رہا ہے اس میں سے ٹیم سیلیکٹ کریں گے ہم پھر اچھے نئے 11 اتاریں گے تو 13 تاریخ کو
ये आप 13 को जरूर याद रखिएगा, ये खेड़ा के मैदान में ही सारे बखेड़ा को हल किया जाएगा। अभी हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि डे बाई डे स्टेप बाई स्टेप आपको लेसन मिले और आप आज के जश्न सरकार कला में हर वली का एहतराम करेंगे, चाहे वली बगदाद का हो, अजमेर का हो, किछौछा का हो, बदायूं का हो, माराहरा का हो, बरेली का हो, या खैराबाद का हो, या फफून शरीफ का हो, या देवा का हो, अहमदाबाद का हो, चाहे कौड़ी नार का हो, और चाहे वो आपके भरूच का हो। वली सिर्फ वली होता है, वो दीन से ताल्लुक़ रखता है, ज़मीन से नहीं। हमारी लड़ाई ना बगदाद से है, ना अजमेर से, ना किछौछा से, ना बरेली से, हमारी लड़ाई दुश्मनान औलिया अल्लाह से है। अब ये हम आपको धीरे धीरे सबक देंगे और आपको 13 तक हम लाते हैं। इसमें 5 टंकारिया, 6 पालेज, 7 जम्बूसर, 8 अंकलेश्वर, इसके बाद आप याद रखेंगे आखिरी जलसा 13 को खेड़ा में। अब ये 13 मेरा नहीं रहा, 13 हो गया है। इसमें आप बखेड़ा को हल करने के लिए खेड़ा में आइएगा। दुआ के लिए तशरीफ ला रहे हैं नबीर मुहद्दिस आज़म। اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره امين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا حلالا واسعا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين